हेलो गाइस, सुबह के 7 बज चुके हैं और आज मेरा शूट है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, लग नहीं रहा क्योंकि अभी जस्ट सो के उठा हूँ। मेरा कॉल टाइम जो है वो 9 बजे का है, सो मुझे वहाँ पे पहुँचना है जल्दी से जल्दी। सो बहुत ज़्यादा आ जाता है। आज मैं आपको बताऊँगा, इतनी मोटी स्क्रिप्ट मिली थी, पहले तो मैं बता दूँ, वो मैंने पढ़ी तो करेक्टर के बारे में जाना, थोड़ा उसकी डिटेलिंग की। सो जैसे जो भी होता है उसके बारे में सब जाना और उस हिसाब से मैं करूँगा। और ये जो शो, जो भी एपिसोडिक मेरा क्राइम एपिसोडिक आएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यूट्यूब पे भी होगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जितने में ये ब्लॉग आएगा उससे पहले ही वो आ चुका होगा। सेट पे मैं भी, मैं आपको बोल के बताऊं कि ये प्लेसेस होती है, जैसे एक जगह वो बुक कर लेते हैं, जैसे उन्होंने एक बंगलो बुक कर रखा है तो मड आइलैंड में है, तो यहाँ पे मुंबई में जो रहता है उनको पता है मड आइलैंड कहाँ पे है, तो यहाँ पे पास में ही है। मतलब मुझे यहाँ से जाने में 45 मिनट मैक्स टू मैक्स 50 मिनट लगेंगे, 1 घंटे के आसपास में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। उसके बाद शूट स्टार्ट होगा, पहले तो जाऊंगा, मेकअप होगा, फिर ड्रेस दी जाएगी, उसके बाद शूट स्टार्ट होगा। जो स्टोरी है वो आपको जाके खुद देखनी पड़ेगी, मैं नहीं बता सकता। मैं बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, अब देखोगे नहीं। अब देखने का जो मज़ा है वो अलग है, बताने का ठीक है। तो अगर आप लोग रेडी हो तो वो देखो जाकर, और ब्लॉग में बताता हूँ आपको और क्या होने वाला है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जाऊँगा, नहाऊँगा, ब्रश करूँगा, खाना खाऊँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद तोड़ जाऊँगा वहाँ पे। तो आप लोग भी रेडी हो, मैं भी रेडी हूँ, मिलते हैं फिर सेट पे सीधा। अपनी लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूं। मुझे यहां पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो ये बंगलो है जो बुक किया गया है शूटिंग वालों ने, मतलब अराउंड इसका बजट होगा 50,000 60,000 पर डे के हिसाब से। अभी ये उन्होंने बुक किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं लेट इसी वजह से हुआ क्योंकि गूगल मैप पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए यार, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाता रहता है। आधा घंटा पहले पहुंचा, बताओ ये कोई बात हुई? तो ये हमारा मेकअप रूम है और हमारे विवेक भाई का मेकअप हो रहा है अरे यहाँ पे। दादा मत करो, अरे क्या बात है, शर्माया जा रहा है, अरे बाप रे। सो अभी रूम में आ चुके हैं हम, इसके बाद हमारे सीन स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तक मेरी कॉस्ट्यूम तो नहीं आई क्योंकि अभी मेरा सीन लगा नहीं है, तो वेट अपने सीन का। आओ मैं आपको सेट दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या होता है। चलिए आइए, अब मैं आपको सेट घुमाता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या होता है। तो देख सकते हो आप लोग, ये धूप ना आए ज़्यादा, छांव बनी रहे उसके लिए, ये पीछे पूरा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, यहाँ टेलर और हमारे चाय दादा, स्पोर्ट दादा जो भी है वो सब यहीं बैठते हैं। स्पोर्ट दादा वो होते हैं जो आपकी हर चीज़ में हेल्प करते हो। ये ड्रेसेस है, जिस जिस सीन है उसके अकॉर्डिंग पहनाई जाती है। और ये यहाँ पर रूम में पूरी लाइटिंग हो रही है, सेट हो रहा है। तो इसी रूम को 3-4 बार यूज़ किया जाएगा, 3-4 अलग अलग लोकेशन में दिखा के, जैसे कि आप उस एपिसोड में देखेंगे। और ये भी एक रूम है, मतलब रूम नहीं है, ड्राइंग रूम में ही है, बट इसको एक रूम की तरह कन्वर्ट किया गया है। और ये पूरा ड्राइंग रूम है, यहाँ पे आप बाकी सारे सीन्स देखेंगे, जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये देखिए इतना तामझाम होता है, ऊपर लाइट लगती है, नीचे लाइट लगती है, सब जगह लाइट लगती है। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मतलब आर्टिफिशियल है, कुछ ओरिजिनल है, वो चीज़ यूज़ होती है। और देख सकते हो पूरा यहाँ पे लाइटिंग का इंतजाम, ये है गैस है, यहाँ पे सिलेंडर नहीं होता, उसमें गैस नहीं जलता, तो आप जब देखोगे समझ जाओगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चीट करके बताई जाती हैं। और ये पीछे का माहौल है पूरे मेरे बंगलों का, देख सकते हो आप। मैं मेरा बंगला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 दिन शूट मेरा यहाँ चलने वाला है, इसीलिए। तो ये उसका गार्डन है पीछे, देख सकते हो आप। इस तरीके से सेट को तैयार किया जाता है। ये जो पूरी टीम है, मतलब तकरीबन 10 से 15 बंदों की टीम है, और ये पुलिस वाली गाड़ी यूपी नंबर से तैयार की जा रही है मुंबई में। उस तरीके से ये हमारा गार्डन सीन है। ये भी देखोगे आप जो सीरियल में आएगा, 10 से 15 लोग हैं जो इस चीज़ को पूरा तैयार करते हैं अच्छे तरीके से। और ये हमारे पास नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, ये मैं छत पे आया हूँ, ये छत से व्यू है मेरे बंगलों का। आप चारों तरफ देख सकते हो, शूटिंग के लिए जितने भी बंगलों दिखाई दे रहे हैं सब शूटिंग वाले बंगलों हैं, और इनको अपने अकॉर्डिंग वो ख़रीदते हैं और उस दिन यहाँ पे शूट होता है।
और अब ये रूम है और ये हमारे माता जी का कैरेक्टर कर रही है, मम्मी का कैरेक्टर, तो आप उसमें देखोगे तो समझ जाएंगे। वैसे ये बहुत कूल नेचर के हैं, बड़ा मज़ा आया शूट करने में। सो ये मैंने आपको पूरा सेट दिखा दिया, तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखा दी। ये मेन है जहाँ पे हमारे डायरेक्टर बैठ के सीन को देखते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती है। आप देख सकते हो अब यहाँ पे शाम हो चुकी है, पूरा मॉर्निंग से शूट चल रहा है, रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं, तो अभी तक शूट चल ही रहा है, देखते हैं कब तक चलेगा। गाइज मैं पहुँच चुका हूँ घर पे अपने शूट से आकर, मैंने चेंज कर लिया है और हाथ मुंह भी धो लिया है। बड़ा मज़ा आया शूट करने में, कल भी है बट कल तो सेम ही चीज़ रहेगी। बट मुझे जो मेन चीज़ थी आपको सेट दिखाना था और उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कैसे शूट होता है और क्या क्या होता है। होप सो आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कैसा लगा। और जितने भी शूट होंगे, जब भी शूट होंगे, मैं आपको थोड़ा बहुत बताता रहूँगा। जैसे ऐड का अलग चीज़ें होती हैं, सीरियल्स की अलग होती है, एपिसोडिक की अलग होती है, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अगली बार मैं ये भी बताऊंगा कि प्रोसेस क्या रहता है, कि कैसे सिलेक्ट किया जाता है एक आर्टिस्ट को, कितने आर्टिस्टों में से एक आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया जाता है, बहुत हार्ड कॉम्पिटिशन है। तो देखो क्या होता है। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ये भी बताऊंगा, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।